वुमन हेल्थ एंड आयुर्वेदा इस सीरीज में आज हम महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज में मिलने वाले कॉमन फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी और बंधित्व का एक लीडिंग कॉज है PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में जानेंगे कि किन कारणों से ये होता है, क्या इसके कॉजेज हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह आयुर्वेद से इसे ट्रीट किया जा सकता है और विशेष रूप से इसका प्रिवेंशन किस तरह किया जा सकता है, ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आयुर्वेद फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। PCOD इज अ हेट्रोजिनस मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी इन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टी ऑर्गन्स और मैनी फैक्टर्स जो होते हैं उनका एक ये कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन है, उनसे मिलकर के ये एक डिजीज बनती है। तो जो ऑर्गन्स यहाँ PCOD में इन्वॉल्व होते हैं वो है ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड। फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अनओवुलेशन एटसेट्रा। PCOD में होता क्या है, जो मेल हार्मोन या एंड्रोजन होता है जो ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो कि ओवम के प्रोडक्शन को लीड करती हैं उसके मैच्योरेशन को ये सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण कि ओवम प्रॉपरली नहीं बनता है, एग या अंडा जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता है और ना ही उसका रिलीज होता है। इसे ही अनओवुलेटरी साइकिल कहते हैं, यानी कि उसमें ओवम का प्रोडक्शन, अंडे का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन नहीं हुआ है और यही अनओवुलेशन होता है। चूंकि साइकिल अनओवुलेटरी होती है तो अपने आप में इनफर्टिलिटी को कॉज करती है और अनओवुलेशन होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जिसके साइड इफेक्ट ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसके PCOD के कारण क्या क्या हैं, क्या कॉजेज इसके होते हैं। तो पहला है कि एक्सेस में जो जंक फूड का प्रयोग है वो है और फ्रोजन फूड का प्रयोग है, तो इनमें चूंकि जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से समस्या होती है। दूसरा है वाइट शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका अगर अधिक प्रयोग करते हैं तो ये इंसुलिन स्पाइक करती है, जो भी एक कारण इसका बनता है। दूसरा है जो गैजेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज बहुत ज़्यादा जो है वो भी इसका एक मेन कारण है। इसके अलावा जो सर्केडियन रिदम है जिसे डे नाइट साइकिल कहते हैं वो इसमें डिसरप्टेड होती है। अब देखिए ये इन्फ्लुएंस होती है डार्क से और लाइट से, कि लाइट के टाइम में जो है हमको अवेक और अलर्ट रखती है और जब डार्क होता है तो सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करके हमारी जो बॉडी है उसको स्लीप के लिए तैयार करती है। तो इसमें होता क्या, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे आउटर एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करता है, जिसके कारण ये सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करता है कि हमको अवेक होना है, किस तरह से बॉडी को वर्क करना है। तो नॉर्मली इसके जो डिसरप्शन का एक कारण है कि बेड टाइम पे जो क्लोजली जो स्क्रीन टाइम जो होता है वो इसका एक मेन कारण है। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये इसके कारण है। अगर पे देखें तो जो टू लीडिंग कॉज PCOD के हैं वो है रॉन्ग फूड हैबिट और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल। अब क्या साइन और सिम्टम्स के होते हैं, तो मेनली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और दूसरा जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो महिला फिजिशियन के पास अप्रोच किन कारणों से करती है, कि एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के सिम्टम्स के हैं कि पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर नहीं है, 3-4 महीने में एक बार आते हैं या फिर जब आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है, मतलब बहुत इरेगुलरिटी के साथ पीरियड उनको आते हैं। एंड्रोजेनिक फीचर्स जो है वो लेके आती हैं हिर्सुटिज्म है, यानी कि जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, से फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग गई है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ है, बैक पे हेयर ग्रोथ है, ये सब। उसके अलावा एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत है, एलोपेशिया यानी कि गंजापन, जगह जगह से पैचेज में बाल निकलने लग जाते हैं, ऐसी समस्या होती है। कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एकेंथोसिस निग्रिकेंस, जो कि एक स्किन कंडीशन है, यानी कि स्किन में जहाँ पे फोल्ड्स या क्रीजेज हैं जैसे आर्मपिट है, ग्रोइंस है या नेक के पीछे का पार्ट है वहाँ पे डार्क डिस्कलरेशन हो जाता है, उसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, तो लोगों में वो भी मिलता है।
इन्हीं के जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज हैं वो क्या है, एक तो जो यूट्रस है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है, यानी कि जो यूट्रस की इनर लाइन है एंडोमेट्रियम उसकी थिकनिंग हो जाती है। दूसरा है रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज मेलाइटस, चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, यानी कि बॉडी में एक कंटिन्यूस डिमांड बनी रहती है कि इंसुलिन चाहिए और बॉडी इंसुलिन निकालती रहती है, परंतु चूंकि बॉडी सेल्स इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चूंकि अनोवुलेटरी साइकिल है तो इनफर्टिलिटी वहाँ मिलती है, हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ है, ओबेसिटी पेशेंट में मिलती है तो रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और एबनॉर्मल हाई लिपिड प्रोफाइल इन पेशेंट्स में मिलता है। अब एक ओवरऑल व्यू पीसीओडी का देखें तो पहला उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंपार्टमेंट में एबनॉर्मलिटी मिलती है। मेडिकल की भाषा में देखें तो यहाँ पर जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि एग या ओवम के रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, परंतु जो FSH है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल है उस फोलिकल के मैच्योरेशन के लिए जिससे कि प्रॉपरली ओवम बने, वो बहुत कम हो जाता है। तो इन दोनों का रेशियो LH और FSH का जो रेशियो है जब वो मोर देन 3:1 हो जाता है तो ये PCOD के अंतर्गत आ जाता है, तो ये एक फैक्टर यहाँ मिलता है। दूसरा है एक्सेस एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है उसके प्रोडक्शन की वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं। तीसरा है अनओव्यूलेशन, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वहाँ पर मिलती हैं। और फोर्थ है PCOD में ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन PCOD उसके सिम्टम्स, तो ये एक दूसरे के कॉजिटिव फैक्टर की तरह कार्य करने लग जाते हैं और इनके रिलेशन की एक विशेष साइकिल जो है बन जाती है। अब PCOD का ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे इसको ट्रीट करना है, तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर रखनी होती है, क्योंकि सारे जो पेशेंट होते हैं उनमें सभी सिम्टम नहीं होते हैं। जैसा मैंने बताया ये सिंड्रोम है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का जो एक कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन है। तो जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं तो पेशेंट किन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स के साथ आया है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ज़्यादा है, हिर्सुटिज्म, एक्सटर्नल एक्ने, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी है, या फिर कंबाइंड सिम्टम है, उनके हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो पहला हमको हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे करेक्ट करना है, अगर ओबेसिटी है उसे ठीक करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेक्ट करना है, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है उसको ठीक करना है, और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं और ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इनको हमको रेगुलराइज करना है, ठीक करना है। आयुर्वेद के हिसाब से PCOD में जो कफ दोष है, यानी दूषित जो कफ दोष है, अनप्रोसेस्ड कफ दोष जो है उसका लेवल बहुत हाई मिलता है, तो हमें यहाँ पर आम दोष की चिकित्सा करनी होती है। कोष्ठ की शुद्धि यानी कि शरीर का शुद्धिकरण करना होता है, यदि पेशेंट बलवान है, उसका सत्व ठीक है और पंचकर्म के लिए तैयार है तो दी बेस्ट उसके लिए ट्रीटमेंट है, और ये शुद्धिकरण के बाद जो है औषधियों से या दवाइयों से उसके बैलेंस जो दोष है उनको बैलेंस में लाते हैं। तो अब पॉइंट वाइज हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो पहला आता है निदान परिवर्जन, यानी कि जो कारण है, जो कोज डिजीज का है उसको हमें दूर करना है, क्योंकि उसको बिना हटाए हम कितनी भी मेडिकेशन ले लें प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। दूसरा है दीपन और पाचन चिकित्सा, यानी कि कार्मिनेटिव और डाइजेस्टिव्स का प्रयोग, तो ऐसे जो भी PCOD के पेशेंट हैं उनको अपनी डाइट में या तो सिंगल हर्ब्स जो भी हैं, जैसे पिपली है, चित्रक है, सौंठ है, काली मिर्च है, त्रिकटू है, सौंफ, इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि दोष का पाचन होता रहे। फिर संशोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, बॉडी का प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ट्रीटमेंट है और ये आपको जो है आयुर्वेद चिकित्सक की परामर्श से ही कराना चाहिए, तो चिकित्सक अपने आपके जो सिम्टम है उनके अनुसार विरेचन है, अनुवासन बस्ती है, या उत्तर बस्ती जो एक विशेष रूप से गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि फोलिकल रप्चर में दिया जाता है, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से आपको लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपान वायु जो कि पूरे जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो संतुलन में रहे, तो वात, कफ, डाइट और औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंगल हर्ब जैसे वरुण छाल, पुनर्नवा, चित्र, गुडुची, बिल्व, अग्निमंत, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो यहाँ उपयोगी होते हैं, वरुणादि लो, पुनर्नवादि कसाय, नवायस लो,
चित्रकादी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफलादि गुगुल, ऐसी बहुत सारी औषधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। उसके बाद नश्य का प्रयोग, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो HPO एक्सिस है, हमने पहले के वीडियो में भी बात करी है, उसको करेक्ट करने का एक सबसे सरल जो माध्यम है वो है नश्य। तो आप अणु तेल, षडबिंदु तेल या फिर शुद्ध गाय के घी से जो है नश्य का प्रयोग आप जरूर करें। अब जो विशेष रूप से जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि PCOD का जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज है वो है प्रिवेंशन, कि आप इस डिजीज को होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन बहुत ईजी है। पहला आपको क्या करना है, मीनार्की के समय से ही, जब पहला पीरियड बच्चियों को शुरू होता है तभी से ही रजस्वला चर्या का प्रयोग आप उनको बताएं कि फ्लो के दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये एक आप हैबिट डाल दें। रजस्वला चर्या का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है डाइट। सो डाइट के लिए हमें एनकरेज करना है कि जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, उनका प्रयोग कम से कम करें। थर्ड है लाइफ स्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज, कोई भी स्पोर्ट्स उनके लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, चाहे वो स्विमिंग करें, योगा करें, डांसिंग करें, कोई भी एक्सरसाइज जो उनको पसंद है, बट अगर हम एक हैबिट उनमें डाल देते हैं रूटीन में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा है, चूंकि टेक्नोलॉजी है, गजट से हम दूर नहीं रह सकते, स्कूलिंग भी ऐसी है, बट कहीं ना कहीं हमें एक लिमिट सेट करनी है, यानी कि मॉडरेट यूज अगर हम करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है, कि एक लिमिट बना दें कि भाई 9 o'clock के बाद कोई भी स्क्रीन टाइम जो है उनके लिए अलाउ नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पांचवा जो ध्यान रखने वाली बात है कि स्टार्टिंग में जब आपको ये सिम्टम आते हैं तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आपको इसको शुरू में इग्नोर नहीं करना है। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए हैं, तभी आप जो है डॉक्टर्स की परामर्श लें और इसको आप करेक्ट करें। अब देखिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स जो है वो डॉक्टर को आपको ट्रीट करना होता है, तो स्वयं से ट्रीट होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो आप जब भी चिकित्सक के पास जाएं, बहुत ही पेशेंस रखें। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने ट्रीटमेंट लिया फिर आपने चिकित्सक या डॉक्टर चेंज कर लिया। बहुत पेशेंटली आपको वो फॉलो करना है, डाइट और लाइफ स्टाइल को तुरंत चेंज करना है, उसको करेक्ट करना है, और साथ ही बॉडी को हील होने का टाइम देना है। और एक बार जब ये प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है, देन जो है आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो एक अवेयरनेस के लिए, जो खुद से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।